नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज खबर से पूरा शहर। नीतीश कुमार से बैर नहीं, निवर्तमान विधायक तेरी खैर नहीं, यह बात आज निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर राकेश रंजन ने अपने नामांकन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले चुनाव से लेकर अब तक बरबीघा विधानसभा में विकास की गति थमती गई है और माननीय मुख्यमंत्री ने जिन्हें टिकट देकर भेजा है सरासर गलत है और इसलिए इस बार जदयू के पूर्व बरबीघा विधानसभा प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन ने अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दिया है और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करवा रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भले ही वे चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं लेकिन वे जीत कर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के हाथ को मजबूत करेंगे और इस विधानसभा चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा विकास होगा। हमारा निश्चित तौर पर मुद्दा रहेगा कि बरबीघा विधानसभा के क्षेत्र की विकास और बरबीघा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करना। क्या मानते हैं, क्या लगता है, विकास नहीं हुआ है क्या? पूरे बिहार में विकास हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में विकास हुआ है लेकिन बरबीघा विधानसभा में कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि के कारण जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जो कभी लोगों के बीच नहीं जाने का काम किया, तो उससे हम क्या विकास की उम्मीद करें। कल तक आप जदयू के में थे, आज इस्तीफा देकर? हाँ, मैं तो जदयू में था और हमारे आज भी रग रग में नीतीश कुमार बसते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में हम नीतीश कुमार जी के ही समर्थक हैं और बरबीघा में जो ऐसे लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट को किसी के प्रेशर में या जो भी है नेता को बरगला कर जो यहाँ पर टिकट दिया गया है तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। पूरे बिहार में हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ हैं। विकास ही मुद्दा होगा? हाँ, हमारा निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पूरे बिहार में विकास के रथ को पहुंचा रहे हैं उसमें भागीदारी बनना और बरबीघा को भी उस विकास के रूप में ले जाना। आप बगल में नालंदा है, देख सकते हैं कि कितना एक्टिव है नालंदा के जो स्थानीय विधायक लोग हैं। हर समय लोग शेखपुरा के स्थानीय विधायक हैं, हर समय जनता के बीच रहते हैं लेकिन यही बरबीघा जाइए तो आपको एक विधायक से मिलने के लिए लगता है कि भगवान मिल जाएगा। 5 साल तक लोगों का दर्शन नहीं देते। क्या मानते हैं, टिकट देने में कुछ गड़बड़ी हुई है? निश्चित तौर पर टिकट देने में नेता को उलझाया गया है और नेता गलत स्टेप लिए हैं। मैं सिर्फ इस बरबीघा के स्टेप का विरोध करता हूं, अदरवाइज मैं पूरे बिहार में नेता के साथ हूं। मैं किस पार्टी विधानसभा में जाकर प्रचार करूंगा? अभी किस पार्टी से नामांकन करवा रहे हैं? हम निर्दलीय स्वतंत्र नामांकन करवा रहे हैं। हमारे साथ कल जदयू के 100 कार्यकर्ता जो काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता काफी पुराने साथी है, जैसे हमारे उमेश पटेल जी समता पार्टी जॉर्ज जब बना था उसी समय से पार्टी में हैं और काफ़ी पुराने लोग 100 लोगों ने कई एक पंचायत अध्यक्ष लगभग 27 पंचायत में 15 पंचायत अध्यक्ष ने हमारे साथ इस्तीफा दिया है। कई प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। जीत पक्की है? निश्चित जीत पक्की है और हम लोग भी जीत करके भी हम लोग नीतीश जी के साथ ही जाएंगे। नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं और वैसे गंदे उम्मीदवार को खैर नहीं।